खाऊंगी आज? आज देखिए, सिम ये दाल है, मसूर की दाल, सिंपल से जीरा, हींग, लहसुन, मिर्ची की तड़का लगा हुआ, और ये मूली की, पत्ते की मूली की भुजिया है, और ये टमाटर की चटनी जो हम इसको आग में भून के और लहसुन को कूट के बनाते हैं। यही सिंपल सा है खाना। हेलो गाइस, ओम साई राम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबके स्वागत है। आज देखें आप कि क्या खा रहे हैं। ऐसे तो वेनेसडे तो हम नॉन वेज बनाते हैं, आज वेनेसडे है, हम नॉन वेज बनाते हैं। पर प्रीति बोली कि आज बोर हो रहे हैं ना घर पे, वो भी घर पे है, मैं भी, तो ठंडी में बोर हो रहे हैं, तो हम दोनों माँ बेटी डिसाइड किए हैं कि कोई कहीं जाएंगे घूमने। कहाँ जाएं? तो मंदिर, कोई मंदिर है तो वहाँ, कोई बाबा, प्रीति की फ्रेंड सब है, बहुत दिनों से बोल रखे, प्रीति गई है उनकी साथ, बोलती है कि मम्मी बहुत अच्छी है, आपको एक बार ले चलूँगी, तो वहाँ जाना है हमें। तो वहाँ मंदिर भी है और एक बाबा गुरु, गुरुजी बोलते हैं, एक गुरुजी की भी पास जाना है, और मंदिर भी वहाँ छत्तरपुर, छत्तरपुर मंदिर भी जाना है, और वही छत्तरपुर पे गुरुजी कोई हैं, तो बहुत अच्छे हैं गुरुजी। प्रीति हो आई है तो आज मुझे ले जा रही है, इसीलिए आज मंदिर, नॉन वेज खा करके तो मंदिर नहीं जा सकते हैं ना, तो इसीलिए आज सिंपल सा खाना बना है, और मैं नहा धो ली हूँ, अभी प्रीति खाना खा रही है सॉरी, अब मैं खाऊंगी। तो यही है आज हमारा लंच, तो शाम को देखते हैं कुछ बनाऊंगी, क्योंकि कल कल हमारा हम बृहस्पत और शनिवार ये 2 दिन नहीं खाते हैं, घर में बनता ही नहीं है, दो मंगलवार को भी नहीं बनता है, पर मंगलवार को मैं खा लेती हूँ, मंगलवार को प्रीति नहीं खाती है, मैं खा लेती हूँ, अगर रहता है तो संडे का, मंडे का जैसा, तो मैं खा लेती हूँ, प्रीति नहीं खाती है, वो बेचारी 3 दिन नहीं खाती है, क्योंकि मैं बृहस्पत और शनिवार को नहीं खाती हूँ, तो वो 2 दिन भी नहीं खाती है, और अपना मंगलवार को भी नहीं खाती है, और मैं 2 दिन नहीं खाती हूँ। अब बड़ी वाली तो सोमवार बोलती है कि सोमवार नहीं खाती हूँ, पर वो बाहर बाहर ज़्यादा रहती है, तो बाहर ज़्यादा करके नॉन वेज ही उसको भेज पसंद नहीं है, तो बाहर का भेज, वो नॉन वेज तो क्या करेगी, तो सब दिन खा लेती है, घर में रहती है तो नहीं खाती है, जिस दिन घर में नहीं बनता है, यही है। चलिए खाना खा करके मिलते हैं। हो गए हैं गाइस, जा रहे हैं हम, ये देखिए, ये इस बार नहीं, पिछले बार गई थी नैनीताल से, तो ये लाई थी। नैनीताल ना, कहाँ नैनीताल कब गई मैं? कहाँ गई थी? हिमाचल, 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 सॉरी, मनाली से लाई थी। हाँ मनाली, हाँ ये मनाली से लाई थी, मनाली गई थी। ये देखिए बाजू में भी ऐसा है और कॉलर भी ऐसा है, तो ये मेरी मतलब छोटी वाली लाई थी प्रीति, और ये प्रीति है। ये तो बहुत है गाइस, चलते हैं माँ बेटी अभी थोड़ा घूम कर फिर करके आए, अच्छा लगेगा, चलिए वहीं मिलते हैं। ये देखिए गाइस, मंदिर, छत्तरपुर की मंदिर ये आए हैं, गुरु जी का तो हुआ नहीं, तो इधर हम आ गए माता की मंदिर। यहाँ चेक इन होएगा, चेक इन होएगा, चली गई लड़की। देखिए कितना सुंदर मंदिर, कभी फुर्सत में आकर के डिटेल से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत प्यारे मंदिर हैं, ये माता की है। थोड़ी देर लगेगी।
ये कौन सा गुरु जी है बेटा? ये भी तो कोई बाबा है। बहुत अच्छा मंदिर है, कभी फुर्सत में आऊंगी और आप लोगों को सारा मंदिर का दर्शन कराऊंगी। ये देखिए हनुमान जी की मंदिर है। जय सिया राम। राम ये माँ दुर्गा है। कोलकाता की तो दुर्गा माँ है ना? नहीं, उड़ीसा की। वो बंगाली ले लेते हैं, अलग बात है। अगर बंगाली हो तो लड़ेंगे तो आपसे। क्यों लड़ेंगे भाई? अबे यार, चल यार। वो माँ भी तो छोटी सी है, मैं छोटे से क्या होता है? तुम्हें देखो इनका। भाई देखिए, ड्रेसिंग टेबल देख कितना बढ़िया है। ये इनका पादुका है, ये पादुका है माता की, और ये सोते थे माता जी स्वयं का बिस्तर है, बेडरूम है, और ये माता ये माता की शिंगारदानी है। ये कौन है? और वहाँ माता की क्या कहते हैं, वस्त्र रहता है वहाँ, और ये शिंगारदानी है, और यहाँ शतरंज खेलते थे माता, और वहाँ क्या कहते हैं, जलपान करते थे वहाँ पर। और ये वही है जिन्होंने पाला था इनको, वही थे। बोल रही हूँ यार, कुछ देखो ना। ये जलपान जगह है। आप सुन नहीं रहे हो क्या? ये तो गुरु, कोई और गुरु है। यहाँ डाइनिंग टेबल, टिशू रोल्स भी है, टिशू वाले माता के। ये क्या है डाइनिंग टेबल? अबे क्या यार, डाइनिंग टेबल ही तो है भाई। अब तो मांगना पड़ेगा, इतना बड़ा कमरा मेरे को भी दे। ये देखिए बहुत सुंदर गाइस। ये तो थोड़ा आज मौसम भी बादल मौसम है, तो थोड़ा अंधेरा लग गया। इतना शाम हुआ नहीं है, फिर भी बादल मौसम के लिए अंधेरा हो रहा है। और ये श्याराम, ये ना छोटा करो ना बेटा, मैं बड़ा कर दी थी ना, हैं छोटा करो ना प्रीति। हाँ बहुत सुंदर है गाइस। मैं बहुत पहले, मतलब मैं तो शायद 20 साल बाद आ रही हूँ ये जगह, 20 साल बाद ही आई हूँ। देखिए बहुत अच्छा बन गया अब तो। यहाँ के बारे में कुछ पता है? नहीं, इतना नहीं पता है बेटा। मैं भी बहुत 20 साल बाद आ रही हूँ। बहुत सुंदर बस इतना ही मंदिर है। देखिए गाइस मेट्रो है, बहुत ठंडी
मतलब क्या बताऊं, आज मुझे लग रहा था कि इस साल ठंडी नहीं, पर आज जब मैं बाहर गई हूं तो पता चल रहा है, बाप रे, हमारे हाथ पांव तो जम गए, क्योंकि हम जगह का नाम इतना डिटेल से नहीं पता था, इसीलिए हम कैब बुक नहीं किए, ऑटो में गए, ऑटो रिक्शा में। तो इससे बहुत ठंड लगी आते जाते, पर अच्छा हो हमारा इधर ही का ऑटो मिल गया था, तो आना जाना वहाँ हमारा इंतज़ार किया, तो जिस जानने वाला। हाँ जानने वाला, तो हम जो गुरुजी के वो 2 दिन छुट्टी पे रहते थे हैं, ट्यूसडे और वेनेसडे, हमें इतना आइडिया नहीं था गाइस। हमें ये प्रीति बहुत पहले गई थी, तो इसे भी इतना पता नहीं कि 2 दिन छुट्टी होता है उनका, मतलब बंद होता है उनका मंदिर। छुट्टी वो तो मतलब हाँ छुट्टी लो, वो वहाँ तो नहीं हो पाया, तो हम छतरपुर आए, फिर छतरपुर के मंदिर का दर्शन किए। तो फिर बहुत ठंडी है, ये देख बैठना, यहीं बैठ, ये देखिए ये क्या क्या लाई हो, गर्मा गर्म फ्राई आलू। हाँ फ्रेंच फ्राई, फ्रेंच फ्राई। एक तो क्रॉप स्वेटर पहन के गई थी, ठंड लग रही थी। इसको मैं कह रही थी बेटे जैकेट क्या, कहाँ के लिए जैकेट, ऐसे दिन के लिए तो जैकेट होता है, जैकेट पहनो अंदर एक स्वेटर और जैकेट पहनती। अभी गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राई लाई है और खा रही है। पहले यहाँ चिली पटाटो मिलता था ना, अब नहीं मिल रहा है, बंद हो गया चिली पटाटो। तो मैं भी थोड़ा खाऊं, देखती हूँ खा खा के। हाय हाय, ये गाइस फ्रेंच फ्राई। ये चटनी तो अच्छा नहीं लग रहा, मिर्ची नहीं है, नमक नमक है, और पता है आलू में बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर है। तो चलिए गाइस यही मैं वीडियो एंड करती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिए। क्या बोलूँ यार, भूल जाती हूँ गाइस, जब पहले तो याद आती है, जब भी मैं वीडियो ऑन करूँगी हर चीज़ मैं भूल जाऊँगी। हाँ गाइस देखिए, मतलब इतनी मुश्किल से कोई मंदिर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मतलब मना करते हुए भी मैं कोशिश करती थी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊँ। मत बनाओ। हाँ गाइस मना करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए और आप लोगों को अच्छा दिखाऊँ, हर जगह मना करते हैं, पर थोड़ी बहुत मैं बना ही लेती हूँ चोरी छुप के। मना क्यों करते हैं उनकी, क्यों माता रानी को हम कॉपी कर लेंगे। हाँ तो देख पता अब, हाँ अगर जो जो आप वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग उनको तो पता होगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना मुश्किल से। अगर घर का वीडियो तो कोई बात नहीं, ठीक है घर का वीडियो में भी मेहनत है, पर बाहर जो हम कहीं जाते हैं या ऐसे आस्था मतलब धार्मिक जगह जब जाते हैं तो वहाँ बड़ा मुश्किल से हमें वीडियो बनाने को मिलता है, कहीं कहीं तो एकदम साफ नहीं तो नहीं, और डांट भी देते हैं, डांट भी खाना पड़ता है, सुनना पड़ता है पंडितों से, गार्ड लोगों से, मतलब जहाँ वहाँ जो गाइड करते हैं गार्ड लोगों उनसे भी, फिर भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। हर यूट्यूबर मेहनत करते हैं, रिस्क से वीडियो बनाते हैं, और आप लोगों प्लीज़ उनका मेहनत रिस्क कदर कीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और कोई नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली में। चलो रखती हूँ, बाय, गुड नाइट, ओम साई राम।